So we discussed about the dark and atomic theory last second night over there. Okay, so according to the Dalton atomic theory, क्या क्या postulates हैं कि जो matter है वो atoms का बना हुआ है, atoms का सबसे simplest है, smallest unit है, जो इस matter को form करते हैं, they are indivisible, उनको हम divide नहीं कर सकते हैं, they are indestructible, indivisible, okay, they are not created or destroyed. They can't be created nor be destroyed in any chemical reaction. जो same same element के atoms हैं, वो सारे same होंगे. They have same chemical properties. They have same chemical properties. Their size, their mass, they all are same. But जो elements, different elements, atoms होंगे, size, mass, chemical properties ठीक है. हमेशा जो आपके atoms हैं, वो combine करते हैं fixed ratio में. उनका रिलेटिव नंबर और किस काइंड के एटम्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं दे आर ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड कि अगर आप दो सेम एटम्स ले रहे हो किसी एलिमेंट के ओके दे कैन कंबाइन इन सम डिफरेंट रेशियोज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. So this was all about the postulates of Dalton atomic theory and coming to its drawbacks. Drawback section में हमने ये discuss किया है. So what are the drawbacks? पहला drawback है that atom is divisible. They are divide the atom into its subatomic particles that are protons, neutrons, and electrons. Okay. That is not hard and possible. But आपने बस यही याद रखना है postulates में कि पहले हमने matter की classification से start करना है. Atom को classify करो, law start करो conservation of mass. फिर लॉ पे चलो डेफिनेट प्रोपोर्शन और लास्ट वाला तो आपको पता है ठीक है. तो इस ऑर्डर में करोगे तो लॉ सारे सेम ठीक है. सेकंड पॉइंट दिस थ्योरी इट फेल्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इट फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स. इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस थ्योरी फेल्स. अब सबसे पहले हमें आइसोटोप का मतलब समझना पड़ेगा. दिस विल बी डूइंग इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स ओके. बट यहाँ पर मैं आपको इसका मतलब थोड़ा सा शॉर्ट हैंड नोटेशंस में समझा देती हूँ. यू मस्ट बी नोइंग कि ऑक्सीजन जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एज ऑक्सीजन 16 एंड एज ऑक्सीजन 18. पता है आपको ओके. हम हमेशा ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 यूज करते हैं बट ऑक्सीजन 18 मास वाला भी एग्जिस्ट करता है. अब अगर मैंने आपको रिएक्शन कही कि इफ वी आर रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर तो आपके दिमाग में क्या आएगा? स्टीम वाला आएगा ओके. बट व्हाट इफ वी अगर मैंने तीन वाला ले ली. व्हाट इफ आई एम टेकिंग द हाइड्रोजन दैट इज द मास 18 तो ये कंपोजिशन तो चेंज हो जाएगी. अगर 16 के साथ 1:8 रेशियो आ रही है. If I am taking 16 oxygen, that is giving you the ratio of 1:8. And if this oxygen is replaced by 18 mass, so it will be 218. That will give you 1:9. अब मेरे दिमाग में क्या था? 1:8. तो अगर मैं water assume करूँगी, जिसमें oxygen का weight 16 है, तो मेरे दिमाग में तो ratio 1:8 है fixed.
तो अगर ये 1:9 हो गई दैट मींस रेशियो इज चेंज, ये तो लॉ फेल हो गया यहाँ पे, ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो फेल हो गया यहाँ पे। इसने तो कहा कि अगर मैं दो एटम्स को कंबाइन कर रही हूँ तो उनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, बट हेयर द लॉ फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स। तो जहां पर भी आप आइसोटोप्स को लोगे वहां पर ये लॉ फेल होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 16 ही हम ये साइड में 18 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, ये नेचुरली अकरिंग ही होते हैं, कंपाउंड्स में ही नेचुरली अकर करते हैं। ऐसे ही आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं 35 और 37। ये हम आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन आता है आइसोटोप्स आइसोटोप्स, ओके। जैसे ऑक्सीजन 16 और 18 लेते हैं हम, वैसे ही क्लोरीन जो है वो 35 और 37 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, ओके। सो दिस थ्योरी इट फेल्स इन केस ऑफ दी आइसोटोप, जहां पर हम आइसोटोप्स की बात करेंगे ये थ्योरी जो है वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रेशियो फिक्स नहीं रह रही है, लॉ जो है वो फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। लॉ की डेफिनेशन चेंज हो गई तो फिर ये डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या हो गई है, तो हम यही कहते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनेट फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप, ठीक है। तो ये लॉ जो है वो आइसोटोप के केस में फेल हो जाता है, आइसोटोप के केस में ये रेशियो फिक्स नहीं रहती है, ये रेशियो चेंज उनकी डिफरेंट आइसोटोप। हम आगे सारा पढ़ेंगे, अभी आप बस आइसोटोप का मीनिंग याद रखो कि दो ऑक्सीजन है, एक का मास 16 है, एक का मास 18 है, और यहाँ पर जब आप रेशियोस लिखोगे तो वहां पर चेंज आएगा, ओके। आइसोटोप्स एंड आइसोपार्स का क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इन डिटेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, टेबल बनाओ, सारे 20 एलिमेंट्स लिखो, draw the table and write all the 20 elements. Start. I hope अब आपको सारे elements याद हैं, first 20 elements आपके text में होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई element हुआ तो उसका आपको mass और number हम बता देंगे paper में, बट आपने फर्स्ट 20 जो है वो टिप्स पे रखने हैं। फर्स्ट 20 के लिए हम आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, मास नंबर कुछ नहीं दिया जाएगा, ओके। बट फर्स्ट 20 के अलावा कोई और जो हम देंगे एलिमेंट तो उसके लिए आपको मास एंड नंबर भी विल बी प्रोवाइडिंग। लिखिए, राइट डाउन द सीरीज क्विकली, नहीं नहीं एटॉमिक मासेस नहीं लिखने हमने आज, मैं आपको कुछ और करवाने जा रही हूँ। एटॉमिक मास ने आपने लिख लिया है ना, बस एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर है ना, आज हम कुछ और करेंगे। हाँ जी लिख लिया बेटा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम क्लोरीन आर्गन पोटाशियम एंड कैल्शियम, ओके। चलिए आज हम करेंगे the concept of configuration, okay, today we will be doing the concept of configuration and ions, okay। See now, सबसे पहले there is one question, what is the need of combination? क्यों atoms जो हैं वो एक दूसरे के साथ combine करते हैं? क्या जरूरत पड़ी है
कि जो हाइड्रोजन का एटम है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करे और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करे। क्यों जरूरत पड़ी है उसको कॉम्बिनेशन की? क्यों बनाते हैं, क्यों कंबाइन करेंगे? अच्छा, अकेले उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, ऐसे आपने हीलियम का कोई कंपाउंड आज तक सुना है? आर्गन का कोई कंपाउंड सुना है? फिर वो भी तो अकेले पड़े हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्बिनेशन, जरूरत क्या है कॉम्बिनेशन? और न्यू सब्सटेंस तो बनेगा ही, ऑब्वियसली जब दो चीजें कंबाइन करेंगी नया सब्सटेंस तो बनेगा ही। जरूरत क्या है कॉम्बिनेशन की, क्यों जरूरत है कंबाइन करने की? वाटर इज रिक्वायर्ड बाय। अच्छा, आप फ्रेंड्स क्यों बनाते हो? डाइवर्सिटी बन। अच्छा, दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके ओके, चिट चैट करने के लिए और हेल्प करने के लिए और कंपनी। अच्छा, कंपनी के लिए। अब एटम्स भी ऐसे ही हैं, एटम्स दे आर आल्सो लाइक दिस। उन्होंने भी तो चिट चैट करनी है किसी के साथ, उनको भी तो हेल्प चाहिए किसी से, राइट? तो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्यों एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं? सी, व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन है, बस लिख लो। व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? ओके, यू ऑल बिलीव दैट सम इन सम केसेस यू आर आर लैगिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ आप में डिसएडवांटेजेस होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे आपके। वैसे ही हमारे एटम्स हैं, हमारे एटम्स में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओके, एंड दे वॉन्ट टू ओवरकम दोज ड्रॉबैक्स, वो चाहते हैं कि हम उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करें। और हम क्या एक्वायर करें? स्टेबिलिटी। व्हाट दे वॉन्ट टू एक्वायर इज स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कौन स्टेबल है? आपने लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये आपने तीन मेंशन किए हैं फर्स्ट 20 में। दे आर एक्चुअली स्टेबल, जिनको कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ की। दे आर स्टेबल इनफ दैट दे कैन लिव इंडिविजुअली, दे कैन लिव अलोन, रह सकते हैं वो अकेले बिना किसी की हेल्प। ठीक है, बट हमारे जो एटम्स हैं दे कांट लिव इंडिविजुअल, उनको भी क्या एक्वायर करने की इच्छा है? Stability. अब स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर करेंगे, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी हियर? एक्चुअली दे वांट टू कंप्लीट देयर कॉन्फिगरेशन, क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now we are going to write down here the electronic configuration. अगर मैं आपको इनकी कॉन्फिग्रेशन लिखवाऊं, हीलियम का नंबर कितना है? हीलियम। नियॉन का नंबर कितना है? आर्गन का? You just have to remember some of the magic numbers that are 2, 8, 18, 30. कौन से numbers हैं ये? क्या magic करते हैं? ये किस तरफ लेके जाते हैं? जिसके पास ये numbers हैं वो stable है, जिसके पास ये numbers नहीं है वो stable नहीं है। Is this clear? 2, 8, 18, 32, they are the magic numbers that bring magic in terms of stability. क्योंकि इनके पास ये numbers जो हैं वो हैं, इसीलिए ये stable है।
अब इनके पास ये नंबर्स कैसे हैं? सी, हमने अपने नंबर्स को तोड़ के लिखना है. वी हैव टू ब्रेक आर नंबर्स इनटू सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस. जो स्टार्ट कैसे होती है, ऐसे ही. यानी कि फर्स्ट में आपने हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, सेकंड में आपने हमेशा एट इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, हमेशा. अब ये टू है, टू का तो टू ही रहेगा. एट टेन है, टेन को मैं कैसे तोड़ के लिखूं? टू प्लस एट, तो यानी कि पहले में टू आ गया है, दूसरे में क्या आ गया है? एट. हमने इनको सेपरेट करना है बाय कॉमा, टेन से ही बनाना. एटीन से टू एट एट बन गया, टू एट एट. पहले में टू ही रहना है, दूसरे में एट ही रहना है, ठीक है. और आपने अभी फर्स्ट 20 तक यही याद रखना है कि थर्ड में भी एट रहेगा, 18 की बजाय. एट एट दो बारी आएगा, 18 18 फिर दो बारी आता है. समझ आई बात? टू लिखा, उसके बाद एट ही आना चाहिए. एट से ज्यादा हमने नाइन नहीं लिखना है यहाँ पे. वी आर नॉट गोइंग टू राइट नाइन हियर. एट के बाद जितने नंबर्स हैं वो नेक्स्ट में शिफ्ट करो. अब आप देख सकते हो, टू पहले में, फिर उसके बाद टू एट, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई. एट दो बारी अगर मैं रिपीट करूं तो टू एट एट, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई. बताती मैजिक नंबर्स बन गए मैजिक नंबर्स. तो ये डायरेक्टली क्या है? ये दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. मैं बताती हूँ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है. पहले ये चीज क्लियर है, इसको रब कर दूं. Now you are asking about the term configuration. अब आपको इतना general idea तो है कि there is an atom और उस atom में electrons होते हैं, protons होते हैं और neutrons होते हैं. और आप ये भी पढ़ के आए हो, you might be having some of the ideas कि जो atom है उसके अंदर जो electrons हैं वो circular orbits में घूमते हैं. पता है आपको? कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे ऑलवेज रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. ये जो सर्कुलर शेल मैंने बनाई है, ये गोल जो ऑर्बिट बनाया है, जो सर्कुलर ऑर्बिट बनाया है, इसमें पहली वाली शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसलिए मैंने टू लिखा है. ये शेल की कॉन्फ़िगरेशंस होती है. दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस, दीज आर द नंबर्स ऑफ द शेल्स. फर्स्ट शेल में जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? सिर्फ. उसके बाद वाली जो शेल है उसमें कितने जा सकते हैं? 4, 5, 6, 7 एंड इनको हम नॉर्मली के शेल, एल शेल. इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी 18 वाली, उसको हम क्या देते हैं? M. एंड सिमिलरली 32 वाली क्या है? तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, L में. इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज शेल्स. ओके, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसिफिक शेल्स, दिस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन. कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया है उन शेल्स के अंदर, उन ऑर्बिट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन. इज इट क्लियर? उतने ही रहने हैं, मैजिक नंबर्स हैं, उन्होंने कभी मैजिक करना. अगर 2, 8, 8, 18, 18, 32 होंगे तभी मैजिक होगा, नहीं तो नहीं होगा मैजिक. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन. किस में कॉन्फ़िगरेशन? शेल्स में. शेल्स में हमने उनको कैसे अरेंज किया है? फर्स्ट शेल में हमेशा दो जाएंगे, जिसको मैं के शेल भी कह देती हूँ. सेकंड शेल में हमेशा एट जाने हैं, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32. क्लियर यहाँ तक? अब आपके पास ये नंबर्स हैं, उनको कन्वर्ट करो. स्टार्ट कन्वर्टिंग दीज नंबर्स इनटू दोस कॉन्फ़िगरेशन. वन का वन ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते.
वन का वन क्या कहा जाओ जी, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हीलियम टू, टू को कैसे लिखेंगे, टू ही लिखेंगे, टू को तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि पहला नंबर ही टू जाना है। लिथियम टू प्लस वन, कॉमास लगाने हमने, प्लस नहीं लगाना, ठीक है। बेरिलियम, ये जो मैं ऐसे लिख रही हूँ इसका मतलब के शेल में टू है, एल शेल में भी टू है, ठीक है। बोरोन टू कॉमा थ्री, एट तक जाना है हमने, के शेल में टू है, एल शेल में टू कॉमा अगेन के शेल में और एल शेल में, क्लियर। मुझे लिखने तो दो, अब आप आगे लिखो, आगे की आगे, फर्स्ट 20 तक जाना है हमने सारे। आप अपनी कॉपीज पे लिखो, जब मैं पूछूंगी तब बताना, ठीक है। मेरे को भी तो लिखने दो, चलिए मुझे यहाँ तक बताओ। टू फोर के बाद नेक्स्ट बस रुको, हम एट है, एटी है, एटी है, तोड़ना है हमने, एट को तोड़ना है, एट को ब्रेक करना है, एट विल ब्रेक इनटू टू सिक्स, ठीक है। आपने पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, ये वाली आपने ये सारी देखनी है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब टू एट हो गया, ये एट से ज्यादा हमने नाइन लिखना नहीं है, टू कॉमा एट कॉमा टू एट एट टू किसी को कोई डाउट यहां तक तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट टू एनी वन टिल हियर, दोनों नहीं है, हमने स्टार्ट ही ऐसे करना है, ये स्टार्टिंग ही ऐसे होनी चाहिए, फर्स्ट में टू होना चाहिए, सेकंड में एट, फिर एट, फिर एटीन, ये कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसे चाहिए। कहा ये वाला, हाँ तो कोई बात नहीं, सेवन है तो उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटे जितने मर्जी आप इंक्लूड कर सकते हो, यही तो नीड है कॉम्बिनेशन की, उसको एट चाहिए,
सात हैं, उसको आठ बनाने हैं तब वो मैजिक नंबर पे पहुंच जाएगा, तो इसीलिए वो कंबाइन करेगा। ठीक है, दैट इज द नीड ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आपको बताया ना व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्बिनेशन, स्टेबिलिटी एक्वायर करनी है। टू से छोटा हो सकता है, टू से बड़ा थ्री नहीं लेना। एट से छोटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक जा सकता है, एट भी हो सकता है, एट से ज्यादा नहीं लेना। हाँ तो एट से बड़ा थोड़ी ना, एट से बड़ा थोड़ा नंबर बड़ा हो जाए उसके बाद, एट के बाद नाइन वाला नहीं लेना। नाइन मतलब टू नाइन नहीं लिखना, टू एट उसके बाद जो नेक्स्ट आगे शिफ्ट करो। ठीक है, अभी भी देख लो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। We have 1 to 2 minutes, you can ask before going to the next topic. हाँ जी, समझ आ गया? Now, the need of combination. What is the need of combination here? क्यों कंबाइन करने की जरूरत है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, कितने होने चाहिए? एक बात और, जो भी आप ये देख रहे हो अगर इसकी सिंगल शेल है तो आपने सिंगल शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखनी, दो शेल्स हैं तो दो शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तीन शेल्स हैं तो तीन की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, चार शेल्स हैं तो चारों की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। ये चीज समझ आई? सिंगल है तो एक शेल की कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, कितने होने चाहिए थे? अब वो कहता मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं एक ले लूं दो बन जाऊं, या मैं जो एक है वो भी दे दूं तो मैं जीरो बन जाऊं। ये दोनों वे से स्टेबल है, ऐसे ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा। चलो हीलियम तो ऑलरेडी स्टेबल ही है, उसको जरूरत ही नहीं है, वो कहता मैं आराम से बैठा हुआ मैं स्टेबल हूँ। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कंबाइन करने की, लेने या देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। लिथियम 2 1, फर्स्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन 2 है, सेकंड में कितने होने चाहिए थे? है कितने उसके पास? कितने चाहिए उसको? 7 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू 7 लाख। इतने वो कहां से लाएगा? लाएगा कहीं से? कोई रेडी होगा उसको इतने पैसे देने को? कोई रेडी होगा उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स देने को? तो वो क्या कहेगा कि मेरे पास जो एक है वो भी मैं लूज कर दूं, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 2, पहली शेल में 2 ही चाहिए, इसके पास भी 2 है तो वो स्टेबल हो गया। बेरिलियम 2 2, इसको भी 6 चाहिए, 6 मीन 6 लाख, कोई 6 लाख नहीं देगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ले लो, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो। सेम थर्ड वाला कहेगा, सेम थर्ड वाला कहेगा, बट जो कार्बन है वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। कार्बन कहता है मुझे 4 चाहिए, अब वो थोड़ा सा कम हो गया ना, नेगोशिएशन कम हो गया, अब हम 4 लाख तक पहुंच गए हैं, वो कहता है ठीक है मैं अरेंज कर लूंगा 4। ठीक है, तो वो ले भी सकता है 4 और 4 दे भी सकता, क्योंकि ये ऑन द वर्ज ऑफ मिडल है, मिडल पे है ना, मिड पे है, वो 4 ले भी सकता है और अपने 4 दे भी सकता है। जब ये 4 दे देगा योर कॉन्फ़िगरेशन विल बी अगेन, ठीक है, स्टेबल हो जाएगी। अगर उसने, हाँ जी, इज दिस थिंग क्लियर टू यू, तो आप जा सकते हो बेटा बाहर।